हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हम कर चुके हैं, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बुक एग्जीबिशन वाज सेल्ड ऑन फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन होल्ड किया गया, कितने दिन के लिए? 4 डेज के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द, जो टिकट्स हैं वो कितनी सोल्ड हुई? सोल्ड मीन्स बेचना, ठीक है। कितने टिकटों की बिक्री हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। फर्स्ट डे हमारे पास ये, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे हमारे पास जितने टिकट्स की बिक्री हुई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, कि टोटल कितनी टिकट्स की बिक्री हुई ऑल द 4 डेज, 4 दिनों में। अब हमारे पास क्या है, जब 4 दिनों की हमें पूछ लिया टोटल कितनी बिक्री हुई, तो हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट्स, एस नंबर ऑफ टिकट्स मीन्स टिकटों की संख्या, सोल्ड बेची गई ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे जो टिकट हैं उनकी बिक्री हुई कितनी? 1094 1094। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812। नंबर ऑफ टिकट्स ऑन थर्ड डे 2050। एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे 2751। अब हमें टोटल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? टोटल टिकट्स सोल्ड, टोटल कितनी टिकटों की बिक्री हुई, सभी को प्लस कर देंगे। 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, 9 1 10 और 5 15 और 5 20। 0 2 के हमारे पास कैरी आ जाएगा, 2 8 10 10 और 7 17। 1 की कैरी 1 2 3 3 2 5 5 2 7। ये हमारे पास क्या आया? 7707। टोटल हमारे पास 7707 टिकट्स की बिक्री हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फोर स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैचेस में कितना स्कोर किया? 6980 रन का। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। लेकिन उसकी विश क्या है? कि वो 10,000 रन कंप्लीट करें। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको कितने रन्स की और ज़रूरत है? अब हमें क्या निकालना है, हमें ज़रूरत कितनी है? 10,000 की, लेकिन हमारे पास है कितना? 6,980। हमें ये निकालना है कि हमें कितने रन्स की और ज़रूरत है, तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे। कैसे? रन्स टू अचीव, रन्स हमारे पास कितने अचीव करने हैं? 10,000 रन स्कोर्ड, स्कोर कितना किया है रन का? 6,980। रन्स रिक्वायर्ड, कितने रन्स की ज़रूरत है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 0 इधर से कैरी लेंगे, इधर 10 10 में से 8 जाएगा, 2 यहाँ पे क्या बचेगा? 9 9 में से 9 गया, 0 यहाँ पे क्या था? 9 9 में से 6 जाएगा, 3। ये हमारे पास क्या आया? 320 रन्स की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड 348,700 वोट्स। किसी इलेक्शन के अंदर, कोई भी इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जो कैंडिडेट्स को वोट मिलते हैं उनके लिए दिया हुआ है। एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, सक्सेसफुल मीन्स वो कैंडिडेट जिसने जीत हासिल की है, उसके पास कितनी वोट्स हैं? 577,500 वोट्स हैं। एंड हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड, और उसके अपोजिट में, जो उसके अपोजिट में था, उसके सेकंड बाद, उसके बाद जिसको वोट मिली है उसको कितनी मिली है? 348,700 वोट्स हैं। बाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन में जीत हासिल की है उसका, और जिसने हार, जिसको हार मिली है, उन दोनों के बीच में कितनी वोट्स का मार्जिन है? मार्जिन मीन्स डिफरेंस है।
क्या है डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे हम। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट्स सिक्योर की, 5,77,500। नंबर ऑफ वोट्स बाय हिज नियरेस्ट रिवल, और उसके जो नियरेस्ट रिवल है जो उसके अपोजिट में है उसने कितनी वोट हासिल की, 3,48,700। तो मार्जिन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में मार्जिन कितना है, डिफरेंस कितना आया, माइनस करेंगे 0, 0, इधर से कैरी लेंगे 15, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर इधर से कैरी लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा आपके पास 8, यहाँ पे 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 4। ये हमारे पास आया कि कितना मार्जिन है, 2,28,800 वोट्स का दोनों के अंदर मार्जिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति की बुक कोई, कीर्ति का कोई बुक स्टोर है जहाँ पे बुक्स हैं वो कितनी है, 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, ये जून के सेकेंड वीक में वर्थ हुई। हाउ मच वाज द सेल फॉर द टू वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स के अंदर टोटल कितनी सेल हुई, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में कितनी ज़्यादा सेल हुई। पहले हमें निकालना है कि टोटल कितनी सेल हुई, टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस करेंगे। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स जो फर्स्ट वीक में बेची गई कितनी, 2,85,891। बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी बेची, 4,768। टोटल बुक्स सोल्ड, टोटल कितनी बुक्स सोल्ड हुई, दोनों को प्लस कर देंगे, 1+8, 9, 9+6, 15, 1 की कैरी 8 और 1 9, 9 और 7 16, 6 1 की कैरी आ जाएगी 5 और 1 6, 8 एज इट इज 4 to 6, ये हमारे पास आए 6,86,659 बुक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि कितनी ज़्यादा, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, किस वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी ज़्यादा सेल हुई। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो 4 लाख वाला हमारे पास बड़ा है, 2 लाख वाला छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस निकाल लेंगे। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई, 4,768। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट में कितनी हुई, 2,85,891। मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा बुक्स बेची गई, कितनी ज़्यादा बुक्सों की बिक्री हुई, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, इधर से कैरी लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ क्या आएगा 6, 6 इधर से कैरी लेंगे 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ आएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर कितना है 3, 3 में से 2 जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से कैरी ली थी हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन, बीच में से द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर, बड़ा और छोटा नंबर कौन सा, दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट्स को एक हर डिजिट को एक बार यूज़ करेंगे, यूज़ करने से जो सबसे बड़ा नंबर बनता है वो और जो सबसे छोटा नंबर बनता है वो, उन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, इन डिजिट को यूज़ करके हमें 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। जब बड़े से बड़ा नंबर बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा कौन है, 7, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। और जब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे छोटे से स्टार्ट कर देंगे, 2, 3, 4, 6, 7। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेंगे 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 12, 2,
इधर से कैरी ले 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ पे 3, 13 की बना देंगे यहाँ कैरी लेके, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये हमारे पास आ गया 52,965 डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू ए डे। कोई मशीन है जिसकी एवरेज है, मशीन की एवरेज मीन्स कुछ बनाने के लिए की एवरेज दे रखी है आपको कि एक मशीन एक दिन के अंदर कितना मैन्युफैक्चर करती है, कितनी चीज़ें बनाती है, तो कितने बनाती हैं 2,825। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये पूछ रखा है जनवरी 2006 में वो मशीन कितना स्क्रू, कितना प्रोड्यूस करेगी, कितना बनाएगी। अब देखो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे, एक डे के लिए हमें कितना दे रखा है 2,825। फिर हम देखते हैं जनवरी मंथ का, तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं, तो ये वन डे का है। अब हमें निकालना है कितने के लिए, 31 के लिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 87,575। ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि जनवरी मंथ में मशीन 87,575 स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन 6 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।